नमस्कार दोस्तों, हमारी समस्या का हल सिर्फ हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो हमारी समस्या का सुझाव है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता का राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को 22 अक्टूबर दिन रविवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चुनौतियों का सामना करना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आइए शुरू में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों को पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आइए शुरू में अगर संपूर्ण राशि बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सूर्य भगवान लिखें, सूर्यदेव आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार, आज की तिथि अष्टमी, आज का नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र, पक्ष चल रहा शुक्ल पक्ष। आज शुक्ल उदय होगा सुबह 6:25 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:45 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 9:11 से सुबह 10:12 तक रहेगा। दोस्तों आज आपको शुक्र करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है दोपहर 12:28 से दोपहर 1:45 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर 3 और शुभ रंग है गुलाबी और फिरोजी। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी योजना बात घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं आज उनका पैसा डूब सकता है, वक्त रहते सचेत हो जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा कोई जिसे आप जानते हैं आर्थिक मामलों को जरूरत से ज़्यादा गंभीर ले सकता है और घर में थोड़ा बहुत तनाव भी पैदा होगा। संभल कर दोस्तों से बात करें क्योंकि आज के दिन दोस्ती में दरार पड़ने की आशंका है। आपको ऐसी जगहों से महत्वपूर्ण बुलावा आएगा जहाँ से आपने इसकी कभी कल्पना भी न की होगी। जीवन साथी की खराब स्वास्थ्य की वजह से आज आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है। सितारे इशारा कर रहे हैं कि किसी नजदीकी स्थान की यात्रा आज हो सकती है। सफर मजेदार रहेगा और आपको आपके प्रिय लोगों का साथ भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको बताएं जो धुंध आपके चारों ओर तरफ छाई हुई है और आपकी प्रगति को बाधित कर रही है उसे बाहर निकलने का समय है। खर्चों में इजाफा होगा लेकिन साथ ही आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसको संतुलित कर देगी। आपका मजाक के स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। अपनी दीवानगी को काबू में रखें नहीं तो यह आपके प्रेम संबंध को मुश्किल में डाल सकती है। आपके घर का कोई सदस्य आज आपके साथ वक्त बिताने की जिद कर सकता है जिसके कारण आपका कुछ समय खराब हो जाएगा। जीवन साथी के साथ कुछ तानाबाणी मुमकिन है लेकिन शाम के खाने के साथ चीजें भी सुलझ जाएंगी। आज आप गुस्से में परिवार के किसी सदस्य को भला बुरा भी कह सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं जिन नौकरी पेशा जातकों को अब तक किसी कारणवश सैलरी नहीं मिली थी तो आज आप धन की कमी से बहुत परेशान रह सकते हैं। इसके लिए संभव है कि आपको अपनी और अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने किसी करीबी या रिश्तेदार से आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है। इस समय आज आपका ज्ञान आपके चारों ओर लोगों को प्रभावित करेगा। खास तौर पर आज आप अपने घर के पास के किसी करीबी विपरीत व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल भी होंगे। इस समय वो जातक जो सरकारी नौकरी से जुड़े हैं उन्हें इस समय पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ साथ मनचाह स्थानांतरण भी प्राप्त होने की संभावना है। ऐसे में अपने आप को केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर ही प्रेरित करते रहें। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो वो छात्र जो विदेश में किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपने उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देख रहे थे तो उन्हें आज किसी के माध्यम से मिलने की आज संभावना है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ आपको बताएं कि और दिन के मुकाबले आज आपका अधिकतर सफलता और सुकून देने वाला दिन रहेगा। दिन की शुरुआत में किसी मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपका लंबे समय से अटका काम पूरा हो जाएगा और आप राहत की सांस लेंगे। यदि आप रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे तो आपकी आजीविका का इंतजाम आज पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर आज आप खुद को कठिनाई से समय से बाहर निकलता हुआ पाएंगे।
इस समय भूमि भवन के क्रय विक्रय से संबंधित प्रयास से शुभ लाभ प्राप्त होगा। निजी व्यवसाय करने वाले लोगों को मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग कमीशन का काम करते हैं उनके लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। मार्केट से जुड़े लोगों को भी अपना टारगेट समय से पहले पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। दिन में शाम के समय आप अपनी बाणी व एवं व्यवहार की बदौलत कोई विशेष कार्य को सिद्ध करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियां का माहौल बना रहेगा, जो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बेहतर अच्छा रहेगा। आज आपके मन में चल रही कुछ बातें आज पूरी हो सकती हैं। आप जो कहना चाहते थे उसके लिए आज का दिन अच्छा रह सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज आप अपने जीवन साथी की मदद से कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन साथी को अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आज आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं या किसी धार्मिक स्थल की सैर भी कर सकते हैं, क्योंकि आज का समय आपके आने वाले समय को एक यादगार का लम्हा बनेगा। आज का बिताया गया समय आपके जीवन साथी या प्रेम का आपके साथ खुशनुमा रहेगा। इसके चलते आपके मन को शांति व सुकून का अनुभव होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस राशि के कुछ लोगों के साथ आज उनके प्रेम संबंध में थोड़ी बहुत मनमुटाव रह सकता है, लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि यह समय कुछ समय या कुछ दिनों के लिए रह सकता है, क्योंकि इस राशि के जातक अपने जीवन साथी या प्रेमिका को अच्छे से समझा सकते हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसके चलते प्रेम प्रसंगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपको अपने खान पान में सही सुधार कर अच्छा भोजन करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये आपके भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए मददगार के साथ साथ आपकी मानसिक दृढ़ता में वृद्धि करने के सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए आपको अधिक मसालेदार भोजन से बचना चाहिए और उनका त्याग करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखना चाहते हैं तो आप रोजाना योगा व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।